कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में इंटरोगेटिव सीरीज़ की जो क्लासेस ली हैं उनको आप लोगों ने सच में बहुत अच्छे से देखा और रियलिटी में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उससे देखने को मिला। तो आगे की जो क्लासेस है अब हमारी, उनमें हम कुछ और नए नए तरीके स्टडी करेंगे जो कि आपकी स्पीकिंग में एंड एज वेल एज इन योर राइटिंग आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, सो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की जो हमारी क्लास है ये है डू और डज। देखिए, डू और डज बेसिकली हम इनका कब इस्तेमाल करते हैं? हम इनको ज्यादातर हमने देखा है कि ये नेगेटिव सेंस या फिर क्वेश्चन सेंस में यूज होते हैं, डू और डज। लेकिन आज मैं आपको डू और डज का यूज एज ए मेन वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब दोनों में करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से इधर देखते रहिए। सो देखिए, डू एक, आप सभी को पता है, डू और डज एक मेन वर्ब भी है, क्योंकि डू और डज का मतलब एज ए मेन वर्ब करना होता है। ठीक है, डू इज अ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डिड इसकी सेकेंड फॉर्म होती है और डन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। इसका मतलब होता है करना। ओके, डज इसकी सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है, फर्स्ट फॉर्म में ही सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है डू की। ठीक है, तो डू डज ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, डिड सेकेंड फॉर्म हो गई और डन थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये बन गई हमारी मेन वर्ब। अब इनको एज ए मेन वर्ब हम पहले इस्तेमाल करके देखते हैं। देखिए, एक सेंटेंस हम देखते हैं। चलो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कब डू लगाना और कब डज लगाना। बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में आपको बताऊंगा कि कब डू और कब डज हम यूज करते हैं। देखिए, डू सबसे पहले हम देखते हैं आई, यू, दे, वी। अरे ये तो एक नाम ही बन गया, आयु देवी। जैसे हम किसी महिला का नाम ले रहे हों, आयु देवी, आयु देवी के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, और ही, शी और इट के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। तो आयु देवी के साथ डू और ही, शी, इट के साथ डज हम यूज करते हैं गाइज। तो अब सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं कार्य करता हूं, आई डू द वर्क। तुम कार्य करते हो, यू डू द वर्क। वे कार्य करते हैं, दे डू द वर्क। हम कार्य करते हैं, वी डू द वर्क। तो यहां पे डू का यूज हमने एज ए मेन वर्ब किया। अब डज को भी इसी तरीके से हम स्टडी करते हैं। वह कार्य करता है, अब ही के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे गाइज। वह कार्य करता है, ही डज द वर्क। लड़की होती तो शी डज द वर्क। ठीक है, तो डू और डज हम इस तरीके से मेन वर्ब की तरह स्टडी करते हैं गाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं डू और डज को एज ए हेल्पिंग वर्ब। एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इसको कैसे स्टडी करते हैं गाइज? देखिए, अभी हमने जो पढ़ा है वो एज ए मेन वर्ब था, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो एज ए हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। सेम यूज वैसे ही होना है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आयु देवी के साथ डू लगाना है और ही, शी, इट के साथ डज लगाना है। ठीक है, चलिए हेल्पिंग वर्ब की तरह इसका यूज करके देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डू और डज एक प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब में भी ये प्रेजेंट की ही फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो इन्हें प्रेजेंट में ही यूज करना है। तो कब यूज करते हैं हम डू डज का? जब आपके सेंटेंस में ता हूं, ती हूं, ते हो, या ता है, ती है का साउंड आता है, तब हम डू डज का इस्तेमाल एज ए नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, या फिर इंटरोगेटिव या फिर कोई भी क्वेश्चन का सेंटेंस बनाने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट द फूड। आई डू नॉट ईट द फूड। समझ रहे हैं, आई के साथ डू नॉट का यूज किया मैंने, समझ रहे हैं ना? अगर यहां पे आई के अलावा यू होता, जैसे तुम खाना नहीं खाते हो, यू के साथ भी डू नॉट ही लगता, यू डू नॉट ईट द फूड। आई डू नॉट ईट द फूड, यू डू नॉट ईट द फूड।
दे होता तो वे खाना नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट द फूड। और अगर वी होता तो हम खाना नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट द फूड। ठीक है, और इसी के जैसे ही हम डज का भी यूज करते हैं, जैसे वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट द फूड। लड़की होती तो शी डज नॉट ईट द फूड। तो गाइज देखिए, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह डू डज का इस्तेमाल किया, और इससे पहले हमने मेन वर्ब की तरह डू डज का इस्तेमाल किया। तो दोनों तरीके से हम डू डज को यूज कर सकते हैं। होप यू हैव इंजॉयड द क्लास। थैंक यू गाइज।